पहले मैं अपने फेस को अच्छे से वाइप्स की हेल्प से क्लीन कर लूँगी। और ये वाइप्स मैं अलग से ले रही हूँ, ये कोई शॉपसी के साथ नहीं आया था। मुझे मॉइस्चराइजर भी नहीं मिला घर के साथ, मैं मॉइस्चराइजर भी अपने से अप्लाई कर रही हूँ। सो मॉइस्चराइजर ड्राई हो गया है, अब मैं ये ले रही हूँ। देख सकते हो ये प्राइमर है, कॉम्बो का ही प्राइमर है, देख सकते हो। तो मैं इसे थोड़ी सी क्वांटिटी लूँगी। टेक्सचर तो काफ़ी स्मूथ है इसका, बट बहुत ज़्यादा वाटरी है ये। मैं इसे अपने टी जोन एरिया पे एंड फोरहेड पे अप्लाई कर दूँगी। एलोवेरा जेल की तरह काम कर रहा है, बट क्या है ना कि मतलब जैसे लगता है कि इसमें ना मतलब पूरा वाटर हो एंड इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड कर दिया हो, ऐसा ही है। बट ठीक है, इतने प्राइस में क्या लोगे, कॉम्बो में है ना तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा ना। तो देख सकते हो आप मेरा फेस ग्लो मार, हल्का हल्का तो ग्लो कर रहा है। ब्लर परफेक्ट ऑयल फ्री प्राइमर, मेकअप बेस्ड प्राइमर है ये, देख सकते हो। सो प्राइमर को 5 मिनट तक अब्सॉर्ब होने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मुझे यहाँ पे ये सुनीशा का मतलब उसमें दिखा कोई और रहा था, बट मुझे सुनीशा का फाउंडेशन रिसीव हुआ, देख सकते हो आप। ये सुनीशा का फाउंडेशन है, सुनीशा वाटर लुमिनेशन एंड ब्यूटी काइजन सीशी फाउंडेशन है, ये देख सकते हो। चाइनीज भाषा से कुछ लिखा था, मुझे चाइनीज नहीं आती। देख सकते हो आप ये ना मेरे स्किन टोन से काफ़ी ज़्यादा मतलब डार्क है, देख सकते हो। फिर दिखा देती हूँ ना आपको, नहीं ठीक है ठीक है, अब इतने में क्या ही ले सकते हो आप। के साथ रिसीव हुआ था ये ब्यूटी ब्लेंडर, देख सकते हो आप, ये यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर है। तो मैं इस मतलब इसे अपने इसे ब्लेंड करूँगी, सॉरी। देख सकते हो कितना ज़्यादा लाइट दिख रहा है ये। सो गाइस फाउंडेशन देख सकते हो आप, बिल्कुल भी अच्छा फाउंडेशन नहीं है ना, थोड़ा सा एक जगह पे स्टोर हो गया है, देख सकते हो। कोई कवरेज नहीं इस फाउंडेशन से, अच्छी तो CCBB क्रीम होती है यार। हाँ ये नहीं है कि मतलब कॉम्बो में ना कोई चीज़ अच्छी भी मिलती है, बट ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छी ही हो। इस फाउंडेशन मैंने काफ़ी हद तक देख लो रगड़ रगड़ के ठीक ठाक ही बना लिया है, कोई कवरेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, देख सकते हो। और जलन हो रही थी यहाँ पर अलग से। अब मेरे पास ये कंसीलर है, अब देखते हैं कंसीलर कैसा वर्क करता है। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है इस कंसीलर से, क्योंकि ये बाहर से ही चीपेस्ट लग रहा है। चलो मैंने शॉपसी की ब्रश ली है, देख सकते हो आप। अब इससे सॉरी शॉपसी की नहीं है, शॉपी की ब्रश है। शॉपसी से मैंने अभी तक कोई ब्रश नहीं बाई की है, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर था शॉपसी पे। ब्रश काफ़ी अच्छा है,
ठीक है यार, कंसीलर ने काफ़ी हद तक संभाल लिया इस फेस को। फ्रेंड्स, मुझे इसके साथ कोई आईब्रो पैलेट नहीं मिली थी इस कॉम्बो में, तो मैंने अपने आईब्रो पैलेट से आईब्रो फिल कर ली है, देख सकते हो आप ऑफ कैमरा। फिर बारी आती है कॉम्पैक्ट की, तो मुझे ये कॉम्पैक्ट मिला है इस कॉम्बो में, जो कि देख सकते हो आप ये है कुछ, और इसके साथ मिलता है कुछ ऐसा पफ। ये तो सॉफ्ट है बट ये किसी काम पर नहीं, पफ में मिलता है इसके साथ में। मैं बता रही हूँ आपसे, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा रफ करने में भी बहुत कम आ रहा है ये, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड है ये, ऐसे आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। ओ, इससे ज़्यादा रगड़ने पे ये इसका काम तो ख़त्म हो गया, टूट चुका है ये पूरा, गिर रहा है, देख सकते हो आप, अभी जस्ट आपके सामने ही गिरा है ये, देख सकते हो। क्या करूँ मैं अब इसका, तो फ्रेंड्स कॉम्पैक्ट का काम तो हम लोग ऑलमोस्ट तमाम कर चुके हैं, देखा ही आपने कैसे गिरा वो। सो अब बारी आती है हिलेरी डोटा आई शेडो पैलेट की, तो देखते हैं इसमें एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। और ये मुझे मतलब काफ़ी हद तक, मतलब हिलेरी डोटा तो ब्रांड ही है, ये मैंने अलग से परचेस किया था, ये मुझे कॉम्बो के साथ नहीं मिला था। मैं आपके साथ स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी मैंने दो बाय किए हैं, कितने में बाय किए हैं, तो देख सकते हो आप। ये हिलेरी डोटा की पैलेट कुछ इस तरह से है, ये तो मुझे इससे उम्मीद है कि ये अच्छा वर्क करेगी, देख सकते हो आप, काफ़ी सुंदर कलर से इसमें। मैं इसके कुछ स्वेचेस करके दिखा देती हूँ आपको। हाँ, आप इससे डेफिनेटली बाय कर सकते हो, इसके लिए तो मैं कहूँगी। मैं कुछ आपको इसके स्विचेस दिखा देती हूँ, देखो आप, ये थोड़ा सा देखो आप इसके स्विचेस, आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी पैलेट है, हिलेरी रुडा या हिलेरी रुडा आई डोंट नो, अब देख लेना क्या है, बट मुझे लग रहा है हिलेरी रुडा है। अपने यहाँ पे ये लाइट पर्पल शेड ट्रांजिशन शेड के लिए मैंने लिया है, इसे हल्के हल्के हाथों से, हल्के हल्के हाथों से लेना है। यहाँ पे ये लाइट ऑरेंज शेड लिया है, देख सकते हो मैंने अपने दोनों आँखों में ये आई शेडो लगा लिया है। मैं आँखों को ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा लुक रखना चाहती हूँ, तो मैं ये गोल्डन शेड सिमर शेड है ये अपने फिंगर की जस्ट अप्लाई करूँगी। काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी, मुझे इस कॉम्बो के साथ कोई लाइनर नहीं मिला था, तो मैं लाइनर अपना यूज़ कर रही हूँ। मुझे ना थोड़ा सा दिक्कत होती है लाइनर लगाने में, इसलिए मैं ना ज़्यादा आईलाइनर ऑफ कैमरा लगाती हूँ। इस कॉम्बो में मुझे कंटूर स्टिक नहीं मिली थी, तो मैं ये कंटूर स्टिक ले रही हूँ, मैंने ये सोपी से बाय की थी, टू इन वन कंटूर है ये, देख सकते हो आप, एक साइड है कंटूर एंड दूसरी साइड में है कंसीलर, सॉरी हाइलाइटर है ये, तो मैं लगा लेती हूँ कंटूर। कॉम्बो का तो सामान मैं आपसे बताती गई हूँ कि कितना मिला है मुझे कितना नहीं, जस्ट हल्का हल्का सा कंटूर। फिर गाइस कंटूर को ब्लेंड करने के लिए मैं ले रही हूँ यही सोपी का ब्रश, देख सकते हो आप उसमें कितना इजीली ब्लेंड हो जाता है। फिर मुझे मिला है ये लूज़ पाउडर, ये लूज़ पाउडर है, देख सकते हो आप।
फिर मैंने ये एक्स्ट्रा पाउडर रिमूव कर दिया है। गाइस कमेंट करके बताना ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है। काफ़ी हद तक ये मेकअप लुक आपने जैसे स्टार्टिंग में देखा था फाउंडेशन की वजह से सारा मेरा फेस ही समझ में नहीं आ रहा था, तो काफ़ी हद तक ये सही है। मुझे कोई ब्लश नहीं मिला था तो मैं ये हाइलाइटर ले रही हूँ। ये हाइलाइटर मैं अपना मतलब यूज़ कर रही हूँ इस मेकअप में, क्योंकि फेस में नहीं भी यूज़ करूँ लेकिन फेस थोड़ा सा ना अजीब लग रहा है, तो ये हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ। शेड ले रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये, बट मैं इसे कवर कर लूँगी अभी। अब मैं ये हाइलाइटर शेड ले रही हूँ। फर्स्ट प्रोडक्ट है ये कॉम्बो में लिपस्टिक, इसे भी हम यूज़। सो फ्रेंड्स जो अभी मैंने लिपस्टिक लगाई वो मुझे मतलब वो लिपस्टिक तो काफ़ी अच्छी है बट मुझे वो पसंद नहीं आई इन कपड़ों में, तो मैं ये ले रही हूँ। ये भी कॉम्बो के साथ ही आई थी। लास्ट प्रोडक्ट है ये कॉम्बो का ही मतलब मेकअप फिक्सर है ये। अब देखते हैं इसे यूज़ करके, ये लास्ट प्रोडक्ट है कॉम्बो का। और लिपस्टिक ना मुझे इनकी मतलब लिपस्टिक तो काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं क्यों मुझे शेड नहीं समझ में आ रहा था ज़्यादा, तो मैंने ये अपनी लिपस्टिक लगाई हुई है। बताना आप कमेंट करके कि कैसी लग रही है ये। तो आप ये रहा मेरा फाइनल लुक, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो क्या ही कह सकते, ठीक ही ठाक लग रहा है मतलब, बट आप बताना कि कैसा लग रहा है ये लुक जो मैंने क्रिएट किया है। बस ना मेरा दिमाग ना उसने ख़राब किया, किसने मतलब ये सुनीशा फाउंडेशन ने। एंड फिर भी ठीक है, बट ये बट कॉम्बो अच्छा है, मुझे कॉम्बो की हर चीज़ अच्छी लगी। तो आप देख लेना अगर आपको मतलब ये कॉम्बो बाय करना हो, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड इस वीडियो में मैंने अपना शॉपसी का फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया एंड स्टेप बाय स्टेप मेकअप भी बताया आपको और प्रोडक्ट भी बताया आपको कि कैसा वर्क कर रहे हैं कैसा नहीं। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो थोड़ा सा भी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस कॉम्बो की लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप चेकआउट कर लेना। एंड हाँ प्राइस के अकॉर्डिंग ये कॉम्बो मतलब काफ़ी अच्छा है, कितनी चीज़ें आपको मिल जाती है इस कॉम्बो में। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो, चेकआउट कर लेना। ये रहा मेरा फाइनल लुक, आप कमेंट करके बताना कि ये लुक कैसा लग रहा है। और ये वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जरा सी भी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करना है आपको, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी आपके लिए। सो फ्रेंड्स मैंने कुछ ऑर्डर अभी करे हुए हैं शॉपसी पे, तो मैं उनका भी एक हॉल वीडियो लाऊँगी। एंड वो मतलब मुझे प्रोडक्ट अगर रिसीव हो जाते हैं तो मैं जल्द से जल्द वो हॉल वीडियो लाऊँगी आपके लिए। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके